हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले वीडियो में आप सभी का ढेर सारा प्यार रहा, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहूंगा। जो कि हमारा रेगुलर फेस्ट के ब्लॉग चल रहे और सेकंड एपिसोड आने से पहले फिर से मैं छोटा सा क्लिप बना रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस के लास्ट ईयर के और हमारे जो रिसेंट के ब्लॉग अपलोड हुए थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का, जो भी अभी नए स्टूडेंट आने वाले सिक्किम ओवरऑल कॉलेज में, अपार्ट फ्रॉम सिक्किम आउट ऑफ स्टेट से बहुत लोगों का क्वेरीज और क्वेश्चन था कि सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज में किस तरह से एडमिशन प्रोसीजर क्या होगा, कैसे करें, कहाँ से होगा। तो पूरा का पूरा इस वीडियो के थ्रू आपको छोटे से इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो भी आप देख रहे हैं तो आपके फैमिली में, आपके रिश्तेदार में, आपके भाई बहन में, आपके रिलेटिव्स में जितने भी होंगे उनको भी आप शेयर कर सकते हैं एज ए इन्फॉर्मेशन के रूप में। तो उम्मीद करता हूँ उनको सबको इन्फॉर्मेटिव रहेगी और आपको मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूँ कौन से वेबसाइट से होगा और किस तरह होगा, कितना फीस लगेगा और कितना सीट्स अवेलेबल है अभी फिलहाल से किम पे, और सिक्किम पे कितना गवर्नमेंट कॉलेज है फिलहाल। और तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए सबके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और फाइनली गाइस, अब बात करते हैं कॉलेज एडमिशन की 2020-23 और 24 की सेशंस की। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, सिक्किम पे टोटल अभी गवर्नमेंट कॉलेज है 7 और जिसमें 4 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, 5 हमारा प्राइवेट कॉलेजेस है। तो आपको केवल इस 7 कॉलेजेस में लेना है। तो सबसे टॉप लिस्ट पे अभी तादुंग गेंटो कॉलेज आता है, सेकंड में बुरतुक आता है और थर्ड में नामची वगैरह सब आते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले बता दूँ हमारा जो 2023 और 2024 की जो सेशन है हमारा एडमिशन का, उसका स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है हमारा 5 जून को 2023 और लास्ट डेट हमारा है 12 जून को। उसके बाद हमारा और फी जो आपको फी पेमेंट करना होगा ना रजिस्ट्रेशन करने के बाद, उसका फी का भी ऑप्शन है। जो भी ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए केवल 300 रुपीज़ है फी, और लास्ट ईयर भी 300 थी था तो इस बार भी 300 ही है, वो भी 12 जून ही है। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है रजिस्ट्रेशन 5 जून को और एंड हो रहा है हमारा 12 जून को। उसके बाद आपको लिंक बता दूँ, लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, प्लस में आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा हमारे बैकग्राउंड पे लिंक आपको मिल जाएगा www.sgcregistration.com। SGC मतलब सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज registration.com। वहाँ जाएंगे आपको क्लिप करने के बाद, मैं साइट पे क्लिप चला रहा हूँ तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया था, तो उसके हिसाब से आप उस तरह से प्रोसीजर में जा सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे गूगल पे या क्रोम पे जहाँ पे आप सर्च करेंगे तो www.sgcregistration.com, उसके बाद आपको होम पेज नजर आएगा ऊपर ऑफिशियल, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका गवर्नमेंट का ऑफिशियल होम पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे साइड पे, आप स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मैं इस तरह से रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू एप्लीकेंट करके, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब का आपको एक चार्ट दिखाई देगा। तो उस चार्ट पे आप बेसिक इन्फॉर्मेशन भरेंगे, उसके बाद आप जैसे जैसे स्टेप आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो लास्ट में पेमेंट होगा आपका। उसके बाद आपका एप्लीकेशन एक फॉर्म आएगा कि आपका ऑलरेडी सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप एप्लीकेबल हो, आपका रजिस्ट्रेशन एक फॉर्म आएगा। इस तरह से मैं साइट पे एक क्लिप अपलोड कर रहा हूँ लास्ट ईयर की, जब मैंने एडमिशन लिया था सिक्किम तादुंग कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में। उसके बाद आपका फिर क्या होता है, न्यू एप्लीकेंट में आप सब डिटेल भर लेंगे अपना। तो पहला आपका डिटेल होता है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट, आपका जो भी डिटेल्स है, आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आप कहाँ से आते हैं, आपने 12 कहाँ से फाइनल किए वगैरह वगैरह। उसके बाद आपका मार्क डिटेल, 12th में आपका कितना मार्क्सिट रहा है, आपने कितना मार्क ऑब्टेन किए 12th में और कितना कितना सब्जेक्ट में क्या हुआ, और एप्लीकेबल हो कि नहीं जिस सब्जेक्ट में आप चॉइस करना चाहते हैं। सेकेंड थॉट में आएगा आपका कॉलेज प्रीफर्स, आपको कॉलेज चॉइस करना पड़ेगा। दो ऑप्शन मिलेगा आपको, एक पहला ऑप्शन जो कि आप सिक्किम 7 कॉलेजेस में जो भी कॉलेज आप चॉइस करना चाहते हैं उस कॉलेज को आप पहले पे डालेंगे। सेकेंड पे क्या रहेगा, सेकेंड पे आप ऑप्शनल ले सकते हैं यदि उस कॉलेज का कट ऑफ के हिसाब से या सीट फुल हो गया और आपका परसेंटेज उतना नहीं रहा जितना रिक्वायरमेंट है उस कॉलेज का, तो आपको सेकेंड प्रीफर जो भी डालेंगे उस कॉलेज का नाम उस कॉलेज में आपको मिल जाएगा। और फोर्थ में हमारा है डॉक्यूमेंट अपडेट, आप जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आप सिक्किम में रहते हैं तो बेसिक हमारा जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं COI, यदि आप ट्राइबल से बिलोंग करते हैं तो ST डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके बाद वगैरह वगैरह आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड सब आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अगर डॉक्यूमेंट्स के कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले इस पूरे प्रोसीजर में, उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साइट पे मैं एक स्क्रीनशॉट भी ऐड कर रहा हूँ लास्ट ईयर की जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थी इस एडमिशन के लिए। और फिफ्थ में आपका कन्फर्म डिटेल, आप जब फॉर्म भरते जाएंगे यदि आपके पास लैपटॉप है या तो आप सामने किसी साइबर कैफे भी जा सकते हैं, यदि आपके पास मोबाइल से भी कर सकते हैं आप यदि चाहे तो। उसके बाद आपको फिफ्थ में आएगा, ये सब न्यू एप्लीकेंट में 6 प्रोसीजर है, फिफ्थ में आपका आएगा कॉन्फर्म डिटेल, आप जितने भी डिटेल दे चुके हैं प्राइमरी इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स डिटेल, क्लास 12 के, आपके कॉलेज प्रेफरेंस, आपने कौन सी कॉलेज प्रेफरेंस किया। उसके बाद
डॉक्यूमेंट्स आपने जो अपलोड किया उसको आपको एक बार कॉन्फर्म देखना होगा, उसके बाद पेमेंट करना होगा 200। उसके बाद अब साइबर हर साइबर में क्या होता है कि सब साइबर में अलग अलग चार्ज करते हैं, लेकिन बेसिक चार्ज है गवर्नमेंट की ओर से ओनली 300 फ्रॉम स्टूडेंट्स इज एन एवरी स्टूडेंट। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर आता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एप्लीकेंसी। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा जो कि मैं साइट में ऐड कर रहा हूँ लास्ट ईयर की मेरी, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको वेट करना पड़ेगा, तो इस बार का मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी हो रहा है क्योंकि जुलाई में हम लोग का एंटर्म समाप्त हो जाएगा, तो अगस्त वगैरह में हम लोग का सेशनल भी समाप्त होकर रिजल्ट भी आ जाएगा, तो सितंबर से सेशन स्टार्ट होने की चांसेस है। तो जुलाई के लास्ट वीक में मतलब फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालने की चांसेस है। जो उसका भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में यदि वो जिस भी कॉलेज में उन्होंने प्रीफर किया है उस कॉलेज में यदि एडमिशन पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं निकलता है तो चिंता मत करिए, क्योंकि सेकेंड मेरिट लिस्ट भी निकलता है, तो सेकेंड मेरिट लिस्ट में भी आपका निकालने की चांसेस है। उसके बाद लास्ट में यदि आप चाहते हैं कि उसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आप सीधा काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, क्योंकि वहाँ आप नोटिस अप्लाई कॉलेज की ओर से नोटिस होगा कि कौन से कॉलेज में कब होगा एडमिशन, तो उस सीधा काउंसलिंग के टाइम पे आकर आप सीधा चेक कर सकते हैं कि उस पार्टिकुलर फील्ड में आप यदि बीए करना चाहते हैं, बीए प्रोग्राम ऑनर्स या बीएससी या बीकॉम वीवो करना चाहते हैं, तो उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आप सीट चेक कर सकते हैं कि आप सीट कितना भरने के लिए चांसेस है और कितना सीट भर चुका है। यदि खाली हो तो आप एप्लीकेबल है, आप सीधा एडमिशन भी कर सकते हैं। तो तीन प्रोसेस है हमारे एडमिशन करने का, फर्स्ट मेरिट लिस्ट जिसका भी नाम नहीं निकले सेकंड मेरिट लिस्ट में निकलेगा, और जिनका भी सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं निकला है उसका सीधा काउंसलिंग प्रोसेस होगा, और लास्ट में आपका फिजिकल जब आपका मेरिट लिस्ट पे नाम निकल जाएगा उसके बाद आपको 1 या 2 वीक के बाद पूरे सेकंड मेरिट लिस्ट खत्म होने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा सीधा कॉलेज में। काउंसलिंग के लिए जब बुलाया जाएगा आपको तो पूरा आपको आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन में अपलोड किए उसको पूरा अपडेट रखिए। माइग्रेशन बेसिकली क्या होता है ना, अभी फिलहाल जिसने भी क्लास 12 फाइनल किया उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आया होगा और केवल उनके पास पीडीएफ फॉर्म में होंगे, उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिल जाते हैं। माइग्रेशन का भी प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों का, तो उसके लिए भी आप चिंता मत करिए क्योंकि माइग्रेशन आप बाद में भी सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए आप एज ए कॉपी भी सबमिट कर सकते हैं प्लस में एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं उसके लिए। तो दो चीज़, एक मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड प्लस में एक माइग्रेशन का प्रॉब्लम होता है, उसके भी चिंता मत करिए, बाद में भी उसको सबमिट कर सकते हैं एज ए एप्लीकेशन के फॉर्म में सबमिट कर। और लास्ट में आपको सीट बता दूं, फिलहाल मैं तादुम कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, नॉर्थ बहादुर भंडारी गवर्नमेंट कॉलेज के, तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ फोर्थ सेमेस्टर। तो टोटल आपको सीट बता दूं 2020-23 के बीए में हमारे पास इस वर्ष 2020-23 में बीए ऑनर्स में टोटल सीट है 155 और बीएससी में हमारा 40 सीट है, और हमारा बीकॉम में है 126 और वीवो जो कि हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री लास्ट ईयर ही हमारा एडिशनल हुआ इस कॉलेज में। और यदि आप एमए इंग्लिश से करना चाहते हैं मास्टर पीजी से यदि, तो एमए इंग्लिश हिस्ट्री और इको के लिए इकोनॉमिक्स के लिए 20 सीट्स है, और एमएससी यदि मैथ फिजिक्स से करना चाहते हैं तो 15 सीट्स है। तो टोटल मिलाकर बीए ऑनर्स के लिए 155 सीट्स है, बाद में बहुत सारे एक्सटेंशन भी हो जाता है क्योंकि सीट ऐसे भी एक्स्ट्रा रहते हैं, बहुत सारे सीट रहते हैं और डायरेक्ट भी एडमिशन करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ओवरऑल ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, क्योंकि प्रीवियस के बहुत सारे ब्लॉग में और लास्ट ईयर के मेरे जो भी कॉलेज के ब्लॉग्स थे एज ए टूर के रूप में और जो भी हमारे रेगुलर ब्लॉग्स में जो कि आप सभी लोग इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट रहते हैं उस ब्लॉग में भी बहुत लोगों का क्वेरीज और क्वेश्चन रहते हैं। मैं इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद यही है क्योंकि लास्ट ईयर में जब मैंने 2020-22 में एडमिशन लिया था सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज में, उस समय में भी पूरा यूट्यूब में सर्च किया मैंने, तो कोई वीडियो ऐसे नहीं था कि फुल इन्फॉर्मेशन हो कॉलेज के रिलेटेड कि कौन से वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका होम पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस में मैं स्क्रीनशॉट पे ऐड कर रहा हूँ, आप इस तरह प्रोसीजर से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ या छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। बेसिकली ये चीज़ मैंने फेस किया है इसीलिए मुझे लगा कि आने वाले समय में 10 साल 20 साल के बाद भी बहुत लोगों का क्वायरीज होगी इस तरह से, तो वो इजिली यूट्यूब पर सर्च करके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ या छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमारा फैमिली को इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। बेसिकली मैं इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड नहीं करता हूँ, और बेसिकली हमारा ब्लॉग्स रहते हैं ट्रैवलिंग ब्लॉग्स रहते हैं उसमें भी आप सभी लोगों का ढेरों प्यार सपोर्ट रहे उसके लिए भी दिल से थैंक यू सो मच। तो उम्मीद करता हूँ ये एडमिशन रिलेटेड छोटी सी मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और आपको फायदेमंद होगी ऐसा उम्मीद करता हूँ, और छोटी सी इन्फॉर्मेशन को ये रखना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्लस
ट्रैवलिंग ब्लॉग के साथ तब तक ले जाता हूँ। आप सबसे अलविदा, खुश रहिए, मस्त रहिए, हमें ढेर सारे प्यार सपोर्ट करते रहिए। यदि आपका कोई भी क्वारी है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, उसका भी मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, फुल कोशिश करूंगा, फुल सपोर्ट रहेगा। और जब आप फिजिकल यदि आप इस आपको तालुम कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, आपको मेरिट लिस्ट मिल जाता है, आपको सीट मिल जाता है तालुम कॉलेज में, चिंता मत करें, आप आके सीधा हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको हम काउंसलिंग करेंगे, आपको बताएंगे फिजिकल वेरी, जब आपका डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए भी आप आएंगे तो आपको कहाँ जाना है, क्या होना है, उसके लिए भी चिंता मत करिए, आप हमें गाइड करेंगे एज ए दोस्त की तरह, एज ए फैमिली की तरह। तो उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा हो रहा है और मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ यहीं पर रखने की कोशिश करता हूँ। आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे करना, और कॉलेज लाइफ के लिए भी वेलकम कहना चाहूँगा सभी लोगों को। बाय बाय।